सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारयां दा एक बार फिर तो आई न्यूज़ पंजाब दीआं खबरां विच स्वागत है। तुसी इत्थे हर खबर एक एक करके विस्तार विच जाणोगे, पर उस तो पहला तुहानू सब नू एक बेनती है कि इस वीडियो नू लाइक करो अते पूरा जरूर देखो। आओ जानदे हां अज दी पहली वड्डी खबर। अहम खबर, कोरोना वैक्सीन नाल लवाउण ते इन्हां मुलाजमां नूं हुण नहीं मिलेगी तनखाह। जी हाँ दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि एक पासे जिथे पंजाब सरकार वल्लों लॉकडाउन संबंधी जारी कीतियां गईआं हदायतां विचों वैक्सीन नाल लवाउण वाले 45 साल तो उपर दे सरकारी मुलाजमां नूं ऑफिस विच आउण दी थां छुट्टी लैण दी सलाह दित्ती गई है। उत्थे नगर निगम प्रशासन ने भी मुलाजमां वल्लों वैक्सीन नाल लवाउण दा सख्त नोटिस लिया है। इस संबंधी जारी आर्डर विच कमिश्नर प्रदीप सभरवाल ने कहा कि कई बार निर्देश देने दे बावजूद नगर निगम दे कई मुलाजमान ने हुण तक कोरोना वैक्सीन नहीं लवाई। यह केस मुलाजमान दी सेहत नाल जुड़िया होया है, जिस दे मद्देनजर नगर निगम दफ्तर विच कैंप लाए जा रहे हन, जिस विच मुलाजमान नूं वैक्सीन लवाउण लई ब्रांच इंचार्जां दी जिम्मेवारी तय कीती गई है तां कि कोरोना दे वधदे प्रभाव तों बचा हो सके। इस दे बावजूद जेकर नगर निगम दे मुलाजम वैक्सीन नहीं लवाउंदे तां ब्रांच इंचार्जां खिलाफ कारवाई कीती जावेगी अते वैक्सीन ना लवाउण वाले मुलाजमां नूं इस वार तनखाह नहीं दित्ती जावेगी। कोरोना दी चेन तोड़न लई कल तो मुकम्मल लॉकडाउन दा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि कोरोना वायरस फैलन दी लड़ी तोड़न लई कई राज्यां ने मुकम्मल लॉकडाउन ते सख्त पाबंदियां लाउण जिहे कदम चुके हन। तमिलनाडु, राजस्थान ते केंद्र शासित प्रदेश पंडुचेरी ने 10 मई भाव सोमवार तो मुकम्मल लॉकडाउन दा ऐलान कीता है जो 24 मई तक लागू रहेगा। उधर कर्नाटक विच शुक्रवार शाम तो केरल विच शनिवार सवेर तो लॉकडाउन लागू हो गया। चेन्नई तो तमिलनाडु दे मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक बयान जारी करके कहा कि वायरस दी लाग फैलन तो रोकन लई लॉकडाउन तो बिना होर कोई विकल्प नहीं। जिला अधिकारियां नाल कोरोना दे हालात दी समीक्षा करन ते सेहत सेवा नाल जुड़े माहिरां दी सलाह दे आधार उत्ते लॉकडाउन लागू करन दा फैसला लिया गया है। तमिलनाडु विच जरूरी समान ते सेवावां नूं छड्ड के सारियां दुकानां ते निजी ते सरकारी दफ्तर बंद रहणगे। शराब दीआं सरकारी दुकानां, बार, स्पा, जिम, ब्यूटी पार्लर, सैलून, सिनेमा हॉल, क्लब, पार्क, बीच भी इस दौरान बंद रहणगे। हुणे हुणे इत्थे सरकार ने कोरोना नियमां विच कीती सख्ती, सिर्फ 3 घंटे ही खुलणगीआं दुकानां। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि कोरोना दी लाग नूं रोकण लई कोरोना करफ्यू दे तहत हिमाचल विच 10 मई तों नवीआं पाबंदियां लागू कीतीआं गईआं हन। हुण 12 घंटिआं दी बजाए सिर्फ 3 घंटे डेली नीड दीआं दुकानां खुलणगीआं। अगले निर्देशां तक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ते पूरी तरह पाबंदी लगाई गई है। राज विच COVID-19 मामलिया विच तेजी नाल होए वाधे अते कोविड कारण होईयां मौतां दे मद्देनजर राज सरकार ने 10 मई 2021 नूं सवेरे 6 बजे तो राज विच जारी कीते गए कोरोना करफ्यू दे तहत कुछ होर सख्त पाबंदियां लाउण दा फैसला कीता है। यह फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दी प्रधानगी विच एक उच्च पद्धरी मीटिंग विच लिया गया। मीटिंग विच फैसला लिया गया कि रोजाना जरूरी वस्तां दीआं दुकानां तो इलावा रोजाना जरूरत वालियां चीजां दीआं दुकानां दिन विच सिर्फ 3 घंटे खुल्लियां रहणगीआं अते इस दा समां संबंधित डिप्टी कमिश्नरां द्वारा निर्धारित कीता जावेगा। हुण हस्पतालां विच दाखल होण लई कोरोना रिपोर्ट जरूरी नहीं। जी हाँ दोस्तों, तुहानूं दस दईए कि राज्यां अते केंद्र शासित प्रदेशां लई एक अहम निर्देश विच केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने शनिवार नूं कहा कि सेहत केंद्रां विच दाखले लई मरीज कोल COVID-19 नाल पीड़ित होण दी रिपोर्ट जरूरी नहीं है। कोविड मरीजां दे इलाज विच लगे नीति अते सरकारी सेहत केंद्रां विच दाखले लई सोधी राष्ट्रीय नीति विच केंद्रीय
सेहत मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मरीज नूं ऑक्सीजन जां जरूरी दवाइयां आदि समेत किसी भी हालत विच सेवा देण तों इनकार नहीं कीता जा सकदा, भावें उह किसी होर शहर तों ही क्यों ना होवे। मंत्रालय ने कहा, राज्यां नूं इक जरूरी दिशा निर्देश विच केंद्रीय सेहत अते परिवार भलाई मंत्रालय ने वख-वख श्रेणियां दे कोविड देखभाल केंद्रां विचों कोविड मरीजां दे दाखले दी राष्ट्रीय नीति विच सोध कीता है। मंत्रालय मुताबिक इन्हां उपावां दा उद्देश कोविड 19 नाल पीड़ित मरीजां नूं तुरंत प्रभावी अते पूरा इलाज उपलब्ध करवाना है। इस नीति दे तहत मरीजां नूं शक्की मरीजां दे वार्ड विच दाखला मिल सकेगा। हुण कैनेडा विच 90,000 भारतीय प्रवासियों नूं मिलेगी PR। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि कैनेडा विच कौमांतरी विद्यार्थियों जिन्हां विच भारतीयां दी बहुतात है नूं स्थाई निवासी दी मानता मिलेगी, जो पिछले 4 सालां विच इसे देश विच पोस्ट सेकेंडरी प्रोग्राम पूरा कर चुके हन। विदेशी मुलाजमान नूं सेहत खेत्र जां होर जरूरी कम्मां विच कैनेडा विच घट तों घट 1 साल दा कम करन दा तजर्बा होना चाहीदा है। होर विदेशी विद्यार्थियों के मुकाबले भारतीय विद्यार्थियों नूं इस प्रोग्राम तो ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि कैनेडा विच अजिहे भारतीय प्रवासियों की तादाद 2020 विच 2,20,000 सी। यह तादाद कैनेडा विच सारे विदेशी विद्यार्थियों की कुल गिणती का 1/3 तो ज्यादा है। पिछले साल के प्रवासी प्रोग्राम पूरा न होने की पूर्ति लई इस साल कैनेडा ने 4,01,000 प्रवासियों नूं अस्थाई निवासी दर्जा देने का फैसला किया है। एक जून तो गूगल बंद कर रहा है अपनी मुफ्त सर्विस, हुण यूजर्स नूं करना पवेगा ₹9 का भुगतान। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि गूगल 1 जून तो अपनी मुफ्त सर्विस बंद करन जा रहा है। असल विच गूगल फोटो मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की सुविधा 1 जून 2021 तो बंद कर रहा है, भाव हुण गूगल वालों गूगल फोटो के क्लाउड स्टोरेज लई चार्ज वसूलिया जाएगा। जे तुसी गूगल ड्राइव जां किसी होर जगह अपनी फोटोज ते डाटा स्टोर करते हो तो इस दे लई तुहानू चार्ज देना पवेगा। कंपनी वालों इस दा ऐलान पहला ही कर दिता गया है। गूगल वालों ग्राहकां नूं 1 जून 2021 तो सिर्फ 15 GB मुफ्त क्लाउड स्टोरेज की सुविधा दिती जांदी है। यूजर्स जे इस तो वध फोटो जां दस्तावेज नूं ऑनलाइन स्टोर करना चाहुंदे हन तां उहनां नूं भुगतान करना पवेगा। जे यूजर नूं 15 GB तो वध डेटा की जरूरत हुई तां उसनूं हर महीने दे हिसाब नाल ₹146 चार्ज देना पवेगा। इन्हां लोकां नूं नहीं मिलेगी ₹2,000 की किश्त। देख लो तुसी भी तां नहीं आउंदे इस कैटेगरी विचों। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम केंद्र सरकार दी काफ़ी हरमन प्यारी योजना है। इस स्कीम दे तहत केंद्र सरकार किसानां दे खाते विच हर वित्तीय साल विच ₹6,000 की रकम भेजदी है। सरकार इह धनराशि 3 बराबर किश्तां विच किसानां दे अकाउंट विच ट्रांस पर करदी है। इस स्कीम दा लाभ हुण सारे खेतीबाड़ी वाले किसानां नूं मिलदा है। इस स्कीम दा टीचा देश दे किसानां दी आमदन विच वाधा करना है। हालांकि इस स्कीम दीआं शर्तां मुताबिक कुछ लोकां नूं इस स्कीम दा लाभ नहीं मिलेगा, भावें उह खेती किसानी क्यों ना करदे होण। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील ते आर्किटेक्ट आदि नूं इस स्कीम दा लाभ नहीं मिल सकदा। पिछले मुलांकण साल दा इनकम टैक्स जमा करन वाले किसानां नूं इसका लाभ नहीं मिलेगा। सारे सेवा मुक्त पेंशनर जिन्हां नूं हर महीने ₹10,000 तो ज्यादा पेंशन मिलती होवे उन्हां नूं भी इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। नवजोत सिद्धू दा फिर वड्डा धमाका, कहा बादल परिवार दी इच्छा मुताबिक काम कर रही सरकार। जी हाँ दोस्तों, तुहानू दस दईए कि साबका मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह दा हुण पूरी तरह खुल के विरोध करन लगे हन। नवजोत सिद्धू ने फिर सोशल मीडिया ते धमाका करदे हुए कहा कि पंजाब दे वधेरे विधायकां दी इस गल ते सहमति है कि पंजाब विच कांग्रेस सरकार दी थां बादलां दी हुकूमत चल रही
नहीं है। इथे ही बस नहीं, सिद्धू ने दोष लगाते हुए कहा कि साडे विधायकां ते पार्टी वर्करां दी गल सुनन दी बजाय अफसरशाही अते पुलिस बादल परिवार दी इच्छा मुताबिक काम कर रहे हन। सरकार लोक भलाई लई नहीं सगो माफिया राज नूं बरकरार रखण लई चल रही है। इथे ए भी दसणयोग है कि शनिवार नूं नवजोत सिंह सिद्धू ने सोशल मीडिया ते कैप्टन अमरिंदर सिंह खिलाफ बोलदे हुए कहा सी कि अफसोस ग्रह मंत्री दी नाकाबिलियत करके सरकार हाई कोर्ट दे ओह हुक्म मन्नण लई मजबूर है जिस दे विरोध विच पंजाब दे लोक खड़े हन। व्हाट्सएप दा वड्डा ऐलान, प्राइवेसी पॉलिसी ना मन्नण वाले यूजर्स कई फीचर्स तो रहणगे वांझे। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स नू वड्डी राहत दिंदियां नवीं प्राइवेसी पॉलिसी नू स्वीकार करन दी अंतिम समा हद नू खत्म कर दिता है। कंपनी वल्लों ए कहा गया सी कि जे कोई प्राइवेसी पॉलिसी नू स्वीकार नहीं करदा तां वी उसदा अकाउंट सस्पेंड जां डिलीट नहीं कीता जाएगा, पर इसदा ए मतलब नहीं है कि तुसी इन्हां नियमां नूं स्वीकार करन तों बच जाओगे। मीडिया रिपोर्टां दे अनुसार फेसबुक दी मलकियत वाली कंपनी हुण उन्हां यूजर्स दे खाते दीआं फैसिलिटीज जां फीचर्स नूं सीमित कर देवेगी जो प्राइवेसी पॉलिसी नूं स्वीकार नहीं करनगे। अहम खबर, कोरोना कहर दरमियान पंजाब सरकार ने जारी की नवी एडवाइजरी। जी हां दोस्तों, तुहानू दस दईए कि पंजाब सरकार ने शनिवार नू कोरोना महामारी दी दूजी लहर दौरान COVID-19 टेस्ट संबंधी नवी एडवाइजरी जारी की है। इस संबंधी जानकारी दिंदिया सेहत मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने दसिया कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेहत खोज विभाग भारत सरकार दे सेहत ते परिवार भलाई मंत्रालय ने नवे दिशा निर्देश जारी किए हैं जिस तहत RT-PCR टेस्टिंग नूं ढुकमा बनाउण दे उपाय ते इस दी आसान पहुंच अते टेस्टिंग दी उपलब्धता बारे दसिया गया है। सिद्धू ने दसिया कि इस समय लैब्स नूं असाधारण ढंग नाल वध रहे केसां दे भार अते स्टाफ दे COVID-19 इनफेक्टड होण कारण टेस्टिंग ने मिथे टीचे पूरे करन विच चुनौतियां दा सामना करना पै रहा है। दोस्तों, जे तुहानू इह साडी जानकारी ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।